गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5 इज. आपको पॉइंट निकालना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. एक मान लीजिए एक कर्व है, ऐसे कोई कर्व है, इस पे एक पॉइंट है. इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है 0.5 से जो डिस्टेंस है ये नियरेस्ट है, ये उसने खुद बोल दिया. आपको यहां पर नियरेस्ट या मिनिमम आपको शो नहीं करना, आपको दे रखा है. तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट होगा, ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो वो कह रहा है कि ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को पूछ रहा है वो. तो सबसे पहले आप सभी को डिस्टेंस फार्मूला पता है. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. तो आप इसमें लगा दीजिए, ये लिखेंगे प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. जब आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2y है. तो 2y प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9. अब ये बताइए बच्चों, ये वाली वैल्यू आपकी किस समय नियरेस्ट होगी, नियरेस्ट का मतलब मिनिमम होगी, किस समय मिनिमम होगी, जब y की वैल्यू 4 होगी. जब y की वैल्यू 4 होगी तो आपका जो d होगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका आएगा 4 माइनस 4 0. तो आपका ये वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, मिनिमम का मतलब नियरेस्ट आ जाएगी. जब y की वैल्यू 4 होगी तो आपकी डिस्टेंस जो होगी वो नियरेस्ट होगी, यानी वो आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी. अब इस y की वैल्यू को उठा करके आप यहां रख दीजिए, 4 2 जा 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x² = 8 आएगा. जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, +-2√2, यानी कि एक पॉइंट क्या आएगा, एक पॉइंट आपका आ जाएगा 2√2 एक पॉइंट आपका क्या आएगा 2√2, 4, और एक पॉइंट क्या आएगा -2√2, 4. अब आप देख लीजिएगा कि कौन से इस ये क्वेश्चन हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ जाए, तो जो भी ऑप्शन आपका आ रहा होगा उस पर टिक कर दीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू कॉस x प्लस y. आपको इंटरवल दे रखा है दैट आर पैरेलल टू द लाइन दिस. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको एक गिवन कर्व, आपको एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू कॉस x प्लस y. अब आप क्या काम करिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए. जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस स्लोप इज पैरेलल टू द लाइन दिस. तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 2y = -x, यानी y = mx + c होता है, आप लोगों को पता है. तो y = -x/2, यानी ये 0, यानी कि स्लोप कितना आ जाएगा, -1/2. तो अगर स्लोप पैरेलल है तो m1 = m2, यानी कि ये आ जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आएगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. अब आप एक बात बताइए, आप लोगों ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक चैप्टर था उसी में, तो अगर 1 है तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, π/2. आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, θ = sin θ = sin α, तो θ = nπ + -1n α. तो दिस इक्वल टू nπ + -1n α, आपका ये आ गया. और ये जो कर्व है ये आपका आ गया y = cos nπ + -1n π/2, ये आपकी y = आ गया. अगर हम जो आपका इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर n इंटीजर है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है. अब y की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो y = अब ये y = क्या है, cos x plus y है, y की वैल्यू 0 है. तो जब 0 रखोगे तो यानी कि जब 0 आना चाहिए तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो -3π/2 होगी,
या आपकी पाई बाई टू होगी, या आपकी माइनस पाई बाई टू होगी, या आपकी थ्री पाई बाई टू होगी। अब हमें क्या काम करना है, अब आपके सामने मैं लेता हूं पॉइंट्स, तो वाई की वैल्यू तो पता ही है मुझे, जीरो है, तो क्या आएगा, एक पॉइंट माइनस थ्री पाई बाई टू कॉमा जीरो होगा, एक पॉइंट पाई बाई टू कॉमा जीरो होगा, एक पॉइंट माइनस पाई बाई टू कॉमा जीरो होगा, एक पॉइंट थ्री पाई बाई टू कॉमा जीरो होगा। तो आप इनमें से कोई दो पॉइंट ले लीजिए ताकि इस इंटरवल को बिलोंग कर ले, क्योंकि देखिए कॉस ब्रैकेट में माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो आप एक माइनस का ले लो एक प्लस का ले लो। अब ये एक्स, अब यहां पर जो भी यहां क्या पूछा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बेटा यहां पर आपकी दो टेंजेंट आएंगी, एक इस वाले पॉइंट के थ्रू आएगी और एक इस वाले पॉइंट के थ्रू आएगी। इस वाले पॉइंट के थ्रू क्या होगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप पता ही है हमें, एक्स माइनस एक्स वन, एक आपका ये आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, दो आपकी इक्वेशन आ जाएंगी, दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, शो दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और अगर इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इन इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और जब आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 2 प्लस साइन 2x। अब देखिए ध्यान से, अब आप देखिए आपको क्या चीज शो करनी है, टू शो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपको शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो f डैश x ग्रेटर देन 0, तो आप क्या काम करिए, देखिए ध्यान से, अगर आपका x क्या है, 0, π/4 है, 0 x जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 0 से पाई बाई 4 के बीच में, तो 0 से पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट 1, तो ये तो हर हाल में पॉजिटिव आएगा, और cos x माइनस साइन x में क्या होगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos ग्रेटर देन होता है साइन x से, तो यानी कि ये वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि cos x माइनस साइन x ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0, π/4। तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इक्वल टू x³ वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सेस। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द पॉइंट ऑन द कर्व। तो क्या होगा, यानी कि ये सेटिस्फाई करेगा 9β² इक्वल टू α³। अब आप क्या काम करिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो 9y² इक्वल टू x³, तो 9 इंटू 2y dy/dx इक्वल टू 3x², तो dy/dx अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3×3 = 9, तो ये आ जाएगा आपका 6y। अब अल्फा बीटा पे आप स्लोप निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 6β। अब ये क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/dy/dx, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अब उसने क्या कहा, उसने कहा स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट कैसे बनता है, जब वो या तो ये बनेगा एंगल या ये बनेगा, या तो 135 डिग्री का एंगल होगा या 45 डिग्री का एंगल होगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1 6β। यहां से क्या होगा, अब इसको उठा करके यहां पुट कर दीजिए, 9 ये आपका आ जाएगा अल्फा टू द पावर 4 36 इक्वल टू अल्फा क्यूब। अब आप ये 4 आ गया,
अल्फा की पावर 4 माइनस का 4 अल्फा क्यूब इक्वल टू 0, यानी अल्फा क्यूब कॉमन ले लीजिए तो अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी अल्फा इक्वल टू 0 आएगा और अल्फा इक्वल टू 4 आएगा। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह 0 रखेंगे तो अल्फा एक पॉइंट आ जाएगा 0.0, और एक पॉइंट क्या आएगा, अल्फा की जगह आप अगर 4 रखते हैं तो क्या आएगा आपका, अल्फा की जगह अगर आपने 4 रखा तो बीटा क्या आएगा, यहां रख दीजिए 16 माइनस प्लस 16/6, इसको सिंपल कर लीजिए, 2 8 16 2 3 6, यानी पॉइंट क्या आएगा 4, ± 8/3, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल टू x³ + 1/x³ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज इंक्रीजिंग। तो आप क्या काम करिए, f'x कर दीजिए इक्वल टू 3x² माइनस का 3/x⁴। अब आपको पता है कि आपको इंटरवल निकालने हैं इंक्रीजिंग के लिए और x 0 नहीं है, ये अच्छा हुआ x 0 नहीं है, क्योंकि x अगर 0 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है बच्चों बताइए, f'x > 0, तो क्या होगा 3x² माइनस का 3 अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 1/x⁴ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, x⁶ ग्रेटर देन ये आपका, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x² माइनस 1 ये आ जाएगा x + 1 x - 1, तो यानी क्या होगा बच्चों, एक नंबर लाइन खींच लीजिए, एक माइनस वन एक वन, तो कहाँ कहाँ ग्रेटर देन है, तो आपका देखिए एक तो ये आ रहा है इंटरवल और एक ये आ रहा है, ठीक है, तो यानी क्या होगा −∞, 1 ये आ जाएगा यूनियन 1, ∞, ये आपका इंक्रीजिंग के लिए आएगा बच्चों, और डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा बच्चों, डिक्रीजिंग के लिए ये आएगा −1, 1, ये डिक्रीजिंग के लिए आएगा। डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ये जो आपका इंटरवल है ये इंक्लूड होंगे, अगर स्ट्रिक्टली का क्वेश्चन होता तो मैं इसको ओपन कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस इज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपका पैरामेट्रिक क्वेश्चन का सवाल है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, dx/dθ फाइंड करते हैं, dx/dθ आराम से कर लेंगे, माइनस का a साइन थीटा प्लस का a, अब इसमें आप uv लगा दीजिएगा, ये आप आराम से कर लेंगे, uv लगा देंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों a cos थीटा, बिल्कुल ऐसे ही dy/dθ करेंगे तो आपका आएगा a साइन थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे, तो दिस अपॉन दिस आपका क्या आ जाएगा tan थीटा, ये क्या आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का cot थीटा। अब आपसे पूछा गया है, अब पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, y - y₁ आपका पॉइंट क्या है, y - a sin θ माइनस का a थीटा cos थीटा, y - y₁ इक्वल टू स्लोप cot थीटा x - x₁। x₁ क्या है बच्चों, a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, ये आपका आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो क्लास 11th में आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू ओरिजिन से क्या होगी, जहां जहां क्या होगी आपको बताया था, ax1 + by1 + c मॉड के अंदर √a² + b² तो यहां पर 0 + 0 माइनस ए अपॉन √cos²θ + sin²θ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब which is independent of थीटा, यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।